इटावा जिला पंचायत सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने इटावा से निर्विरोध चुने गए अखिलेश यादव के चचेरे भाई अंशुल यादव को जिला पंचायत अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई, जिसके बाद अंशुल यादव का दूसरा कार्यकाल सोमवार से शुरू हो गया। अंशुल यादव के साथ ही जिले के 23 अन्य जिला पंचायत सदस्यों ने भी शपथ ली। आपको बता दें, इटावा जिला पंचायत चुनाव में 24 सीटों में सपा और प्रसपा के सदस्यों ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें 22 सीटों पर समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सदस्य चुनकर आए थे, जबकि भाजपा केवल एक सीट ही जीत सकी थी और एक सीट बसपा के खाते में गई थी, जिसके सदस्य ने भी अंशुल यादव को समर्थन दे दिया था, जिसके बाद निर्विरोध अंशुल यादव चुने गए। वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह में बदायूं के पूर्व सांसद व अंशुल यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश भर में पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी ने सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग किया है और इसका बदला जनता 2022 विधानसभा चुनाव में लेगी। बहुत खुशी की बात है और अंशुल और उनके सभी जो बोर्ड के मेम्बरान हैं, उन सबको बहुत बहुत हृदय से बधाई, शुभकामनाएं, और पूरे इटावा जनपद की जनता को जिन्होंने इन सब साथियों को चुना है, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फिर से एक बार समाजवादियों के झंडे को यहाँ बुलंद किया है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुआ है और पूरे प्रदेश ने, देश ने देखा है जिस तरह से आतंक हुआ है, यहाँ से लेके विदेशों तक पंचायत चुनाव में पंचायत अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की आलोचना पूरी दुनिया में हो रही है। जिस तरह का आतंक बीजेपी के लोगों ने किया है वो किसी से छुपा नहीं है। इटावा के एसपी सिटी कहते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के लोग बम लेके आए हैं, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इटावा जहाँ हम खड़े हैं, इसी का ब्लॉक जो पड़ता है बड़पुरा, इसी ब्लॉक में किस तरह से आतंक हुआ है ये हमसे आपसे किसी छुपा नहीं है। इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आतंक करने की कोशिश की, फर्जी हेल्पर बनाए गए, अपहरण के मुकदमे लिखाए गए, लोगों का अपहरण किया गया, जितने लोगों के पर्चे फाड़े गए, पर्चे जमा नहीं हुए, जमा हुए तो उनके खारिज किए गए। जो आतंक पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा या तांडव देखा है बीजेपी का, 2022 में बीजेपी को लोग जवाब देने वाले हैं। पिछले 5 साल लगातार इटावा जिला पंचायत ने हमेशा से लगातार प्रदेश की सर्वोत्तम जिला पंचायतों में स्थान रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है आज जो दोबारा जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में मैंने शपथ ली है, मैं और हमारा पूरा नया बोर्ड उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आने वाले समय में इटावा में विकास के और बड़े कीर्तिमान स्थापित करेंगे। सड़क, गली, नाली, पानी, बिजली, शिक्षा से लेके जो भी समस्याएं आएंगी और ख़ास तौर पर आने वाले समय में जो भी कोविड की समस्याएं रहेंगी, इन्हीं सभी चीज़ों पर इटावा जिला पंचायत काम करेगी और इटावा के लोग कहीं भी किसी तरह से निराश नहीं होने देगी। देश भर में जो नतीजे आए जिला पंचायत के, सरकार के पक्ष में रहे, लेकिन आप इटावा ने चुनौती दी है, हमें जिम्मेदारी बढ़ जाती है। देखिए, हम भी मानते हैं जो नजीत जब सदस्यों के परिणाम आए थे और जब अध्यक्षों के परिणाम आए, उसमें बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन जो असली सच्चाई है अंदर से, जीतने वाला भी जानता है और हारने वाला भी जानता है। जो सच्चाई है वो किसी से छुपी नहीं है। भले ही इन्होंने सत्ता के दम पर, प्रशासन के दम पर, पुलिस के दम पर जो पूरे उत्तर प्रदेश में तांडव अपनाया है, आने वाले समय में ऐसे सारे अध्यक्षों का तख्ता पलट होगा जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। विधानसभा चुनाव में किस तरह के नतीजे रहेंगे? देखिए, आप सीधा सीधा इसी चुनाव से अंदाज़ा लगा लीजिए। पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मतदान किया और जो आपने इटावा में देखा होगा किस तरह से इटावा, चाहे जिला पंचायत हो चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, दोनों ही चुनाव में समाज इटावा की जनता ने समाजवादियों का साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी को सफाया करने का काम किया। और मुझे लगता है कि जो एक सीट उन्होंने धोखे से ली है उसकी सच्चाई वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और प्रशासन भी जानता है, तो आने वाले समय में उस पर भी बहुत बेहतर तरीके से सत्ता आने पर ध्यान दिया जाएगा। इटावा से माय भारत के लिए उवैश चौधरी की रिपोर्ट।